हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका न्यू कैम्ब्रिज स्टडी में। आइए आज पढ़ते हैं हम प्रश्नावली 1.4 को। प्रश्नावली 1.4 पढ़ने से पहले हम पहले जान लेते हैं कि शांत दशमलव क्या होता है और अशांत दशमलव क्या होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं शांत दशमलव। तो कह सकते हैं कि ऐसी भिन्नात्मक संख्या जिसके हर से अंश को भाग दिया जाए तो वो पूर्णतया विभाजित हो जाती है, शांत दशमलव कहलाती है। जैसे वन बटे वन, अगर वन से वन को भाग दिया जाए तो वन आएगा, तो ये कहलाती है हमारी शांत दशमलव। या फिर वन बाई टू, तो दो से वन को अगर भाग दिया जाएगा तो ये हो जाएगा 0.5, ये भी आपका आ जाएगा शांत दशमलव। या फिर 1/4, तो यहां से अगर 4 से 1 को भाग दिया जाए तो यहां से आएगा 0.25, 4 दुनी 8 हो जाएगा, 2 बचेगा 20 हो जाएगा, 4 पंचे 20, ये भी आपका क्या हो जाएगा शांत दशमलव। उसके बाद अगर 1/5 देखा जाए तो हो जाएगा 0.2, ये भी क्या है शांत दशमलव है। 1/8 लिया जाए यहाँ पे तो आएगा 0.125, ये भी क्या हो जाएगा शांत दशमलव। 1/10 ये हो जाएगा 0.1, ये भी क्या हो जाएगा शांत दशमलव। अब इसके बाद हम बात करते हैं अशांत दशमलव की। तो अशांत दशमलव देखिए क्या होता है, अशांत दशमलव ऐसी भिन्नात्मक संख्या जिसके हर से अंश को भाग दिया जाए तो पूर्णतः विभाजित ना हो, अशांत दशमलव संख्या कहलाती है। जैसे 1/3, यह हो जाएगा 0.333, ये आपकी कहलाती है अशांत दशमलव। या फिर 1/6, तो यह आ जाएगा 0.6 × 6 हो जाएगा, 4 बचेगा, 6×6=36, फिर 4 बचेगा, इस तरह बढ़ता जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा अशांत दशमलव। तो इस प्रकार बच्चों आप लोगों ने जाना कि शांत दशमलव वो संख्या होती है जिसके हर से अंश को भाग दिया जाए तो पूर्णतया विभाजित हो जाती है, तो शांत दशमलव कहलाती है। और ऐसी दशमलव या फिर ऐसी भिन्नात्मक संख्या जिसके हर से अंश को भाग दिया जाए तो पूर्णतया विभाजन नहीं होती है, अशांत दशमलव कहलाती है। कक्षा 9th में हम लोग इसके बारे में पढ़ चुके हैं, वहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि हर से अंश को भाग करके हम पता करते थे कि कौन सी शांत दशमलव है और कौन सी अशांत दशमलव है। लेकिन यहाँ पर क्लास 10th में हम ऐसा नहीं करेंगे बल्कि इसके कुछ गुण का उपयोग करेंगे। तो आइए देखते हैं कौन से गुण का उपयोग करेंगे यहाँ पर। अगर हम शांत दशमलव की बात करें तो शांत दशमलव में देखा जाए तो अगर 1/2 है तब भी यह शांत दशमलव हो जाता है, अगर 2/2 है तब भी शांत दशमलव हो जाता है, अगर 4/2 है तब भी शांत दशमलव हो जा रहा है, 5 है तब भी हो जा रहा है। तो इस प्रकार अगर इसको देखा जाए तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 की पावर 0, क्योंकि 2 की पावर 0 का मतलब होता है 1। इसको लिख सकते हैं 1/2 की पावर 1, यहाँ पे ये जो 4 लिखा हुआ है इसको लिख सकते हैं 1/2 की पावर 2, इस 5 को 1/5 लिख सकते हैं, 5 की पावर 1 लिख सकते हैं, ये जो 8 लिखा हुआ है इसको लिख सकते हैं 1/2 की पावर 3, और ये जो 1/10 लिखा हुआ है इसको लिख सकते हैं 2×5। अब यहाँ से देखा जाए तो एक नियम यहाँ से आता है कि अगर कोई भी हमारी संख्या है तो उस संख्या के हर
अगर उस संख्या के हर को देखेंगे तो हर जो होना चाहिए अगर हर को देखेंगे तो हर में 2 की घात m या 5 की पावर n या 2 की पावर m 5 की पावर n के रूप का गुणनखंड होना चाहिए होना चाहिए। या फिर इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अगर कोई भी शांत दशमलव है तो शांत दशमलव के जो हर होगा उस हर में हमेशा 2 की पावर m या 5 की पावर n के रूप का गुणनखंड होगा। अगर इसके रूप का गुणनखंड है तब वह शांत दशमलव होगा, अन्यथा शांत दशमलव नहीं होगा। तो आइए अब चलते हैं, बात करते हैं प्रश्नावली 1.4 के क्वेश्चन नंबर 1 की। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित प्रमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है या फिर अशांत है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि पहले क्वेश्चन में जितनी भी संख्याएं हैं उनको देखना है और उसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद हमें बताना है कि इसका दशमलव प्रसार शांत है या फिर अशांत है। तो यहाँ पे देखा जाए तो पहला क्वेश्चन है इसका 13/3125। इस संख्या को बताना है कि इसका जो दशमलव प्रसार है वो शांत है या अशांत। तो इसको देखने के लिए हम सबसे पहले इसके हर को देखेंगे और इसके हर का गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हर का गुणनखंड कर लेते हैं। तो हर का गुणनखंड करने के लिए जैसे पहले लासा निकालते थे सेम वैसे निकालेंगे यहाँ पे। तो यहाँ काटेंगे 5 से जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 5 6 30, 5 2 10 हो जाएगा, 5 5 25, फिर 5 से काटेंगे 5 1 5, 5 2 10, 5 5 25, फिर से काटेंगे 5 2 10, 5 5 25, फिर से 5 5 25 और यहाँ से 5 1 5। यहाँ से देखा जाए तो ये आ जाएगा 13/5 की पावर 5 आ जाएगा, गुणे हम इसको 1 लिख सकते हैं। यहाँ से हो जाएगा 13/, इस 1 को 2 की पावर 0 लिख सकते हैं क्योंकि किसी भी संख्या की पावर अगर 0 लिख दिया जाता है तो उसका मान 1 हो जाता है। इस कारण हम यहाँ पे क्या करते हैं 2 की पावर 0 लिख देंगे और गुणे 5 की पावर 5। तो जहाँ भी हमारे संख्या के हर का मान या फिर कह सकते हैं हर का गुणनखंड 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप का आ जाएगा वहाँ पे कहेंगे संख्या क्या है शांत दशमलव है। तो यहाँ पे लिखेंगे संख्या का हर 2 की पावर m 5 की पावर n के रूप का है जहाँ m बराबर 0 मान सकते हैं, n बराबर 5 मान सकते हैं। अतः संख्या शांत दशमलव है तो ये तो था इसका पहला क्वेश्चन कि शांत दशमलव देखने के लिए हमें क्या करना पड़ा, हर का गुणनखंड करना पड़ा। और हर का गुणनखंड करने के बाद हर को देखना पड़ा कि वो 2 की पावर m 5 की पावर n के रूप का है कि नहीं है। अगर 2 की पावर m 5 की पावर n के रूप का है तो लिख देते हैं कि ये 7 दशमलव है। अब हम बात करते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन की। तो इसका दूसरा क्वेश्चन है 17/8। अब पुनः प्रक्रिया यही अपनाएंगे जो यहाँ पे प्रक्रिया अपनाई गई थी, सेम वही प्रक्रिया हम यहाँ पे भी अपनाते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 17/ ये जो 8 लिखा हुआ है इस 8 का गुणनखंड कर लेते हैं। यहाँ से हम 8 का गुणनखंड करेंगे तो इसको लिखेंगे 2 × 2 × 2, यहाँ से हो जाएगा आपका 17/2 की पावर 3 × 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा 17/2 की पावर 3 5 की पावर 0 लिख सकते हैं क्योंकि 1 का मतलब होता है किसी भी संख्या की पावर 0 कर दें। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 5 की पावर 0 क्योंकि अगर किसी भी संख्या की पावर 0 लिख देते हैं तो उसका मान 1 हो जाता है। तो यहाँ से हमारा जो हर है संख्या का
संख्या का हर, 2 की पावर m, 5 की पावर n के रूप का है। अतः संख्या शांत दशमलव है। तो ये तो था क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरा क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे इसके तीसरे क्वेश्चन की। तो आइए बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। इसका तीसरा क्वेश्चन है 64/455। तो अगर 64/455 दिया गया है, पुनः हम क्या करेंगे, इसके हर का गुणनखंड कर लेंगे। तो चलते हैं यहाँ पे, फिर से हम हर का गुणनखंड करते हैं। तो अंश हमारा यही रहेगा सेम, हर का गुणनखंड करेंगे, हर का गुणनखंड करेंगे, गुणे 5 × 7 आ जाएगा, गुणे 13 आ जाएगा। अगर इस तरह ना समझ में आए तो यहाँ पे अलग से कर लेना आप लोग। यहाँ अगर हम 5 से काटेंगे तो 5 × 9 = 45 एक आ जाएगा, फिर 7 से काटेंगे 13 आ जाएगा। तो यहाँ से अगर देखा जाए हर, तो यहाँ पर हर तो 5 मिल रहा है, लेकिन कहीं 2 नहीं मिल रहा है। और इस 2 की पावर m और 5 की पावर n के अतिरिक्त यहाँ पे 7 और 13 दो अभाज्य संख्याएं दिख रही हैं। तो अगर कहीं हर में 2 की पावर m और 5 की पावर n के अतिरिक्त संख्याएं भी हमें दिखेंगी तो कहेंगे कि ये क्या है, अशांत दशमलव है। तो यहाँ पे लिखेंगे संख्या का हर, दो की पावर m, 5 की पावर n के रूप का नहीं है, नहीं है, अतः संख्या अशांत आवर्ती है, है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं बच्चों कि कोई भी संख्या होगी उसके हर का गुणनखंड करेंगे। हर का गुणनखंड करने के बाद अगर उसका हर 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप का मिलता है तब कहेंगे शांत दशमलव है। अगर उसके रूप में नहीं मिलता है तो हम कहेंगे अशांत आवर्ती है। तो बच्चों इसी प्रकार इसके और जितने भी क्वेश्चन हैं उनको आप लोग लगाएंगे। फिर हम बात करेंगे अब अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 2 की। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का रहा है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में निम्नलिखित प्रमेय संख्याओं के प्रसार को हमें करना है, लेकिन ऐसे प्रसार को करना है जो शांत दशमलव है। हमें उन्हीं प्रसारों को लिखना है जो कि शांत दशमलव है। जो अशांत दशमलव है उनके प्रसार को हमें नहीं लिखना है, केवल शांत दशमलव के प्रसार को लिखना है। तो आइए देखते हैं पहला इसका क्या है। पहला है 13/3125, ये पहले का ही क्वेश्चन है। हमें पता है कि 13/3125 जो है वो शांत दशमलव है, तो इसके हमें दशमलव प्रसार को लिखना है। तो दशमलव प्रसार को लिखने के लिए सेम जैसे पहले में किया गया था सेम वैसे करेंगे। यहाँ पे 13 बटे इनका गुणनखंड कर लेंगे, इनका गुणनखंड करेंगे तो लिखेंगे 5 × 5 × 5 × 5, यहाँ से हो जाएगा 13/5 की पावर 5 आ जाएगा। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे अगर दशमलव प्रसार को लिखना है तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हर में 10 बनाना है, क्योंकि अगर 10 से भाग करें किसी भी संख्या को तो आसानी से वो भाग हो जाता है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हर को 10 बनाते हैं। हर को 10 बनाने के लिए 5 है तो इसका मतलब हमें 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो हम 2 से यहाँ गुणा करेंगे, लेकिन जितना गुणा नीचे करेंगे उतना गुणा हम ऊपर करेंगे। लेकिन बात यहाँ पे है कि पावर 5 है, तो यहाँ पे 2 की पावर 5 हम लेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 की पावर 5 से नीचे गुणा कर देंगे और 2 की पावर 5 से ऊपर गुणा कर देंगे। तो यहाँ से इसको गुणा करेंगे तो यह जाएगा 13 × 2 की पावर 5 करेंगे, मतलब 2 को 5 बार गुणा करेंगे। अगर 2 को पावर 5 को हम गुणा करते हैं तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 64। मिस्टेक, सॉरी।
तो बच्चों यहाँ से जब 2 की पावर 5 कराएंगे तो यहाँ पे गुणा करके देख लेते हैं, 2 × 4 × 8 × 16 × 32, तो यहाँ पे गुणा कराएंगे तो यहाँ 64 की जगह 32 आएगा, तो यहाँ पे हम 32 लिखेंगे, बटे यहाँ पे 5 पावर है तो यहाँ पे पावर को कॉमन कर लेंगे और इसको हम गुणा करा लेंगे। तो यहाँ पे पावर को कॉमन कर लिया गया है, बाकी इसका हम गुणा करा लेंगे। अब हम क्या करेंगे, 13 को 32 से गुणा कराएंगे, 13 को गुणा कराएंगे तो 13 × 26 के 6 हो जाएगा, हाँ से लें 2, 13 × 39, 39 2 करेंगे 41 आ जाएगा, बटे में 5 और 2 का गुणा कराएंगे 10 आ जाएगा, 10 की पावर 5। और जब इस संख्या से हम ऊपर वाली संख्या को भाग करेंगे तो जितनी पावर होगी उतना दशमलव हमारा आगे आ जाएगा उतने अंक, तो यहाँ से आ जाएगा 416 लिखा गया। यहाँ 5 पावर है तो इसका मतलब दशमलव को हमें 5 अंक आगे लाना है, तो दशमलव को 5 अंक आगे लाने के लिए इसके आगे हम क्या करते हैं, 0 बढ़ा लेते हैं। 5 अंक लाना है तो 5 गिनते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, तो दशमलव आ जाएगा हमारा यहाँ पे, तो हमारा आंसर आएगा इसका 0.00416। तो ये तो हुआ 13/3125 का दशमलव प्रसार। अब हम बात करेंगे इसके दूसरे क्वेश्चन की, इसके दूसरे क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो दूसरा है 17/8, सेम इसको भी इसी प्रकार तोड़ेंगे, 17/8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3, तो यहाँ 2 की पावर 3 है तो हर को भी हमें क्या करना है, यहाँ पे भी 10 बनाना है, तो यहाँ पे 10 बनाने के लिए 2 को गुणा कराएंगे 5 से, तो यहाँ पे हम 5 से गुणा कराएंगे लेकिन जितनी घात है उतनी घात से गुणा कराएंगे, तो यहाँ 5 की पावर 3 से नीचे गुणा कराएंगे और 5 की पावर 3 से ऊपर गुणा कराएंगे, तो ऊपर आ जाएगी 17 × 5 की पावर 3, मतलब 5 को 3 बार गुणा कराएंगे तो 5 × 25, 5 × 125 हो जाएगा, तो यहाँ पे 125 बटे यहाँ पे पावर को कॉमन करके बाकी गुणा कर लेंगे तो 2 × 5 कर लेंगे पावर 3। अब यहाँ 17 से हम गुणा कराते हैं 125 को, तो 17 × 85 की 5 हो जाएगा, हासिल आए 8, 17 × 2 = 34 और 8 × 42 के 2, हासिल आए 4, 17 × 17 = 21 हो जाएगा, बटे में 2×5 = 10, 10 की पावर 3, तो यहाँ 10 की पावर 3 से अगर भाग करना है तो दशमलव को क्या करेंगे, 3 अंक आगे ले आएंगे, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 2.125। तो ये तो था हमारा दूसरे का दशमलव प्रसार। अब बात करें अगर इसके तीसरे क्वेश्चन की, तो इसका तीसरा क्वेश्चन हमारे पास था 64/455 और यहाँ से इसका गुणनखंड किया गया हर का, तो जब हर का यहाँ से गुणनखंड किया गया था तो हो गया था 5 × 7 × 13 और 5 × 7 × 13 हुआ था, तो इसको लिखा गया था अशांत दशमलव। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो भी हमारा शांत दशमलव है केवल उसी का हमें दशमलव प्रसार करना है, बाकी और किसी भी क्वेश्चन का हमें दशमलव प्रसार नहीं करना है, तो यहाँ पे हमें ये अशांत आवर्ती है इसलिए हमें इसका दशमलव प्रसार नहीं करना है, बल्कि इसको क्या करना है, सेम ऐसे छोड़ देना है। अब हम बात कर लेते हैं इसके चौथे क्वेश्चन की, आइए देखते हैं इसका चौथा अगर देखा जाए यहाँ पे, तो यह है आपका 15/1600, तो यहाँ से जाएगा 15/, इसको तोड़ लेंगे 16/100, यह हो जाएगा 15/16 को लिखेंगे 2 की पावर 4, इसे लिखेंगे 10 की पावर 2। अब यहाँ से देखा जाए तो यहाँ पे 10 की पावर ये बना हुआ है तो 10 की पावर ये रहेगा, लेकिन ये जो 2 की पावर 4 है इसको भी हमें 10 के रूप में बनाना है, तो अगर इसको 10 के रूप में बनाना है तो इसका मतलब हुआ कि इसको 5 से गुणा कराएंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 15/2 × 4 × 10 की पावर 2, इसको हम गुणा कराएंगे 5 से, लेकिन जितनी पावर इसकी है उतनी ही पावर से हम उसके गुणा कराएंगे, तो यहाँ पर हम 5 की पावर 4 से नीचे भी गुणा कराएंगे और ऊपर भी गुणा कराएंगे। जब ऊपर गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 15/625 बटे में, इन दोनों को मिला लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 2/5 पावर 1 साथ कॉमन / 10 की पावर 2,
तो यहाँ से आ जाएगा 15 × 625 बटे में आ जाएगा 10^4 × 10^2। अब यहाँ से 15 का गुणा कराएंगे 625 में, तो गुणा कराते हैं 15 × 5 = 75 हासिल है 7, 15 × 30 = 37 हासिल है 3, 15 × 6 = 90 393 बटे में गुणा में घाते जुड़ती हैं तो 10^6 हो जाएगा। अब यहाँ पे हर में 10^6 है, इसका मतलब हुआ कि जब 10^6 से इसको भाग करेंगे तो 0.6 अंक आगे आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 9375, यहाँ पे 4 अंक है तो 2 जीरो और बढ़ा लेते हैं और 0.6 क्या होगा, 6 अंक आगे कर लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो यहाँ से इसका 0.6 प्रसार आ जाएगा 0.009375। ये तो था क्वेश्चन नंबर 2 का चौथा। अब इसके बाद सेम इसी तरीके जितने इसके क्वेश्चन हैं उसको आप लोग लगाएंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, तो ध्यान से देखेंगे बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 है, कुछ वास्तविक संख्याओं के 0.6 प्रसार नीचे दिए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और पी बटा क्यू के रूप की है तो क्यू के अभाज्य गुणखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं, जिसमें पहला आपका 43.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यहाँ पे दिया गया है। तो हमें यहाँ पे संख्याएं दी गई हैं, बताना हमें कि ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या है तो इसका 0.6 प्रसार कैसा है इसके बारे में बताना है, अगर परिमेय संख्या नहीं है तो अपरिमेय संख्या है इसके बारे में बताना है, अगर अपरिमेय संख्या है तो उसके 0.6 प्रसार के विषय में हमें नहीं बताना है। तो यहाँ पे देखा जाए तो 10 दिया गया, 43.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो अगर इसको 0.6 के रूप में लिखा जाए, 0.6 प्रसार के रूप में लिखा जाए, या फिर इसे पी बटा क्यू के रूप में लिखा जाए, तो पी बटा क्यू के रूप में लिखने के लिए हम यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे जिसे हम बटा कहेंगे और फिर इस 0.6 को हटाएंगे। अगर इस 0.6 को हटाएंगे तो 1 लिखेंगे, फिर उसके बाद गिनेंगे कितना अंक है 0.6 के बाद, कितना अंक है, जितना अंक होगा उतना 0 लगाएंगे। तो यहाँ पे हम 0 लगा सकते हैं, कितना, 9, तो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 1, 9। तो यहाँ पे हमने क्या किया, जितनी संख्या लिखी थी उतनी संख्या लिख ली, 0.6 को हटाएंगे, 1 लिखेंगे, बटा लगा के, और जितना अंक होगा उतना 0 लगा लेंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 43.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 बटे में 10^9 लिख सकते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा 43, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 या फिर कह सकते हो 4, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10^9 जो लिखा है इसको लिख सकते हैं 2×5^9 और यहाँ से आ जाएगा 4, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 बटे 2^9×5^9। तो हम कह सकते हैं कि संख्या क्या है, संख्या परिमेय संख्या है, संख्या है तथा इसका हर 2^m, 5^n के रूप का है। अतः यह 7.0 है, 0.0 है। अब हम बात करेंगे इसके क्वेश्चन नंबर 2 की। अगर इसके क्वेश्चन नंबर 2 की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 2 है 0.1
120, 1200, फिर 1200, डैश डैश डैश। अब हमें ये संख्याओं को बताना है कि ये परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर 0.120, 1200, फिर 1200, डैश डैश डैश, ये देखना है हमें कि परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या। तो इस तरह की जहाँ भी संख्याएं आती हैं कि बीच में जीरो की जो संख्या होती है वो एक एक करके बढ़ती जाती है, तो ये संख्या हमारी कहलाती है अपरिमेय संख्या। यहाँ से अपरिमेय संख्या होती है, और अपरिमेय संख्या जो होती है उसे हम पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इस कारण हम इसके हर का अभाज्य गुणनखंड नहीं कर पाएंगे। इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि यह एक अपरिमेय संख्या है। अब हम बात करते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन की। अगर इसका थर्ड क्वेश्चन देखा जाए तो है 43.1234567890, इसके ऊपर 12 लगा हुआ है, इतनी संख्याएं दी गई हैं। तो अगर इतनी संख्याएं दी गई हैं तो यहाँ से दशमलव अगर देखा जाए तो इसे जहाँ पे भी बार लगा होता है उन संख्याओं को हम कहते हैं अशांत आवर्ती दशमलव। इसको कहते हैं अशांत आवर्ती दशमलव। और जो अशांत आवर्ती दशमलव होती है इसे हम पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। लेकिन इसका जो हर होगा दो की पावर m, पांच की पावर n के रूप का नहीं होगा, क्योंकि आपको इसके पहले भी पढ़ाया जा चुका है कि जो अशांत आवर्ती दशमलव होता है उसका हर कभी भी 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप का नहीं होता है। तो बच्चों, आपने यहाँ पे परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के विषय में जाना। अब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे बहुपद के विषय में, जो कि हमारा अगला चैप्टर होगा और अगली यूनिट भी होगी। उस अगले यूनिट के विषय में हम पढ़ेंगे बहुपद के विषय में, और बहुपद के विषय में हम थोड़ा अच्छे ढंग से पढ़ेंगे।